महिला दंगल मंगल दंगल तगड़े अभी है फ्रेंड भी है। जाओ महिलाओं जाओ घर जाओ खाओ माचा। बिल्कुल होना चाहिए। कसम हाँ। मैं भी जा रही हूँ उसी में। बाइक वाला छोटा बगी जब बोल रहे इतने मोटे मोटे बोलकर ये देखो भाई ये महिला है। फुर्की है फुर्की। वाह कितनी क्यूट है। इस पे लगा रखे छुड़मुने। मित्र गणों बहुत ही दुख के साथ आप लोगों को सूचित करना पड़ रहा है। तो दोस्तों कल्पना से एक सवाल है कि तुझे मतलब कल्पना मामठियाना की। हेलो दोस्तों नमस्कार सुप्रभात। बड़ों के चरणों में मेरा सादर प्रणाम और छोटों को तो जीव भर का आशीर्वाद। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल क्यूट पहाड़ ऋतु राणा। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक ही होंगे मस्त होंगे स्वस्थ होंगे और मैं तो बिल्कुल ठीक आप लोग के सामने। तो दोस्तों मैं हूँ ऋतु राणा जो कि देवभूमि उत्तराखंड के जनपद रुद्रप्रयाग से हूँ। आज का मौसम बना हुआ है बड़ा ही गजब का। तो आइए दोस्तों आपको बताते हैं गजब का मौसम और गजब के पहाड़। जय हो सूर्य देव की। सबसे पहले तो आप सभी लोग सूर्य देव जी के प्यारे प्यारे दर्शन कर लीजिए। और सूर्य उदय आज बादलों के ठीक बीच से हुआ है। यहाँ पर अभी धूप नहीं लगी थी लेकिन बीच में सूर्य देव चले गए हैं। मस्त वाली धूप बनी हुई है हमारे पहाड़ों में। गजब का मौसम बना हुआ है।
अभी कल्पना का कुछ काम पड़ गया है ढोना गांव में, गांव मतलब उसकी दीदी आ रही है रास्ते तक, तो हमें चलना है वहां। वैसे दोस्तों जो मज़ा बाइक में घूमने का है वो मज़ा कहीं नहीं है, और कल्पना का काम पड़ गया था, तो कल्पना वैसे हमारे साथ हमेशा मेरे साथ आती रहती है, तो आज इसने बोला मेरे साथ आ जा, बोले डर भी लग रहा है बन गया है, और अभी हम उतरने का स्टाइल वो आया। और यहाँ से सामने ठीक दिख रहा है ढोंडा गांव, अभी थोड़ा बहुत धूप लगी है तो इस वजह से साफ नहीं दिख पा रहा है, और बहुत ही बड़ा गांव है ये भी। वैसे दोस्तों ढोंडा गांव वाले बहुत ही कामकाज के लोग हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा काम करते हैं। इनके खेत देख लो सामने, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही बड़े खेत हैं, और खेतों में जो गेहूं भी ठीक हो रखे हैं इनके। तो कल्लू चली गई ऊपर अपने दीदी के घर, मतलब दीदी आधे रास्ते तक आएगी, और मैं अभी सड़क पर हूँ क्योंकि हम लोगों ने आज कपड़े भी ठीक से नहीं पहने हैं। अचानक ही पता चला कि कल्लू की दीदी ने बोला कि थैला लेने आ जा बल, तो आप थोड़ी देर में कल्लू आने वाली होगी, शॉर्टकट गई है, उसके बाद सीधा घर चले जाएँगे। तो गाइस फाइनली कल्लू थैला लेकर आ गई है, और बाइक वाला छोटा भतीजा बोल रहा है इतने मोटे मोटे वो कैसे ले जाओ मोल में तुम्हें घर पर। बहुत बहुत धन्यवाद छोटे भतीजे, आपका क्या है छोटे बोले छोटे बोले। तो दोस्तों कल्पना से एक सवाल है कि तुझे, मतलब कल्पना मेरी छोटी फ्रेंड सिस्टर जो भी है भाई मन, तुझे लाइफ में कितना कॉन्फिडेंस चाहिए? मैं तो यही बोलती हूँ हर लड़की को ना बाइक चलाने का कॉन्फिडेंस होना चाहिए। क्यों अभी तो मैंने ये नहीं बोला कि तभी, तो मैंने ये पूछा कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। हाँ। कसम मैं भी जा रही हूँ सीखने। सीखने मतलब चला तो नहीं रही सीखने क्या? कसम से ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए लाइफ में बाइक चलाने का। दीपना धन्यवाद। ये हमारी दीदी जी हैं और सब्सक्राइबर जी भी हैं, और मुझे नहीं पता कहाँ गए। हाँ अच्छा, इन्होंने हमारे ब्लॉग पर कमेंट भी किया है, बट मैं किसी को पहचानती नहीं हूँ, ये मेरी गलती है, पर सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों अभी हमें भीमल भी निकालना है, काफ़ी दूर से बाइक से आए हैं, तो मेरा सर ऐसा घूम रहा है। वाह इसकी चोटी कितनी लंबी दिख रही है इस टाइम, मेरे तो क्या ही बताऊँ। ये देखो गाइस ये है मेरी वो वाली भाभी जी जो डांडा में कंटर बजाती थी, और मस्त वाला ना भाभी। कोई एक गाना सुना दो भाभी। गाने के सुन नहीं था। ये भाभी जी की दीदी जी, दो दीदिया जी, दीदी जी के जमाई राजा जी भी हमारे वीडियो देखते हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी। एक भाभी जी का गाना लगा दो, मस्त बहू है हमारे गाँव की, एकदम तेज तड़ाक बहू। आजकल सबको तेज तड़ाक बहू चाहिए ना भाभी। हाँ सब चीज में आगे रहती है, काम से लेकर डांस से लेकर सब चीज में, तो बहुत अच्छी है भाभी जी आप, और मेरी फ्रेंड भी है ये। तगड़े अभी है फ्रेंड भी है। Myself. I don't ever
never slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I'm gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is typical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.